आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो माइनिंग ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 12 अप्रैल सन 2022। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर क्या संभावना बनेगी, राशियों के आधार पर आपकी नफा नुकसान एवं नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या होगा। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में यानी 4 एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। एक एक एलिमेंट यानी एक तत्व को 3-3 राशियों का स्वामी बनाया गया है। अग्नि तत्व को मेष, सिंह और धनु राशि यानी 1-5-9 की राशियों का स्वामी बनाया गया है। मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रहा है आज का दिन आपके लिए। 2 से 3 बजे के बीच अतिरिक्त सावधानी रखिए, सिंह छोड़कर कहीं मत जाइए। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये है पृथ्वी तत्व की राशियाँ। दिन संभवतः आज आपके लिए मुफीद ना रहे, परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, नुकसान होने की संभावना अधिक है। लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 3 से 4 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये हैं वायु तत्व की राशियाँ, मिश्रित रूप की तरह इशारा कर रही हैं। 12 से 1 बजे के बीच में हो सकता है आपको खतरा। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियाँ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपके लिए मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, शानदार रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति रह सकती है, लेकिन 1 से 2 बजे के बीच में आपको रखनी है अतिरिक्त सावधानी। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज के दिन क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, बहुचर्चित कमोडिटी एग्रो कमोडिटीज़ गवार सीड में आज मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। गवार सीड और गवार गम के अंदर आज मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी कमोडिटी होगी धनिया यानी कोरिएंडर के अंदर आज तेज़ी की संभावना बन सकती है, सावधान रहें, इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती हैं। कैस्टर सीड यानी अरंडी के अंदर भी अच्छी तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये था कृषि के ऊपर आज का अपडेट। अब शेयर बाज़ार के अंदर क्या संभावना बन सकती हैं। गौरतलब है हमने आपको पिछले एपिसोड्स के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कमजोरी की अग्रिम आकलन दिया था, विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कमजोरी जारी रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चंद स्टॉक्स के ऊपर आज आप नज़र रख सकते हैं। उसमें सबसे पहला होगा अडानी ग्रीन, इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पब्लिक सेक्टर यूनिट की अग्रणी कंपनी गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। इन 2 स्टॉक्स के ऊपर आप नज़र रखिए, संभवतः इसके अंदर सकारात्मक रुख की संभावना बन सकती है। अब हम चर्चा करेंगे नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना है। नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज मिश्रित रूप रहने की संभावना बनेगी। साथ में करेंसी अपडेट यदि हम देखें तो आज USD INR में इंडियन रुपी के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है और ये 76 रुपये से ऊपर के भाव कभी भी देखने की पूरी संभावना बन सकती है। गौरतलब है कल हमने करेंसी अपडेट के अंदर भी आपको भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के खिलाफ कमजोरी दिखाने की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। आज भी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोरी दिखा सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।